कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का असर ब्रेन, लंग्स और किडनीज पे होता है। लंग्स में यह पल्मोनरी एडिमा कॉज करता है। जब हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता तो जो भी वेन्स लंग्स से हार्ट तक ब्लड लाती है उसमें बैक प्रेशर चेंजेस होते हैं, उसके कारण एल्वियोलाई में पानी भर जाता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा। अगर ये बैक प्रेशर चेंजेस कंटिन्यू रहे तो अल्टीमेटली हमें पीडल एडिमा देखने को मिलता है। नाउ ब्रेन पे ये क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वेगल एक्टिविटी को इम्बैलेंस करता है, जिससे हार्ट फेलियर बढ़ जाता है। जब भी हार्ट फेलियर होता है तो हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी अफेक्ट होती है और हार्ट जो है वो ब्लड से कंजेस्टेड हो जाता है। इससे क्या होता है, बैक प्रेशर चेंजेस आते हैं और किडनीज की जो मेन वेन्स है उसमें ये चेंजेस होने के कारण किडनीज में कंजेशन ऑफ ब्लड देखने को मिलता है। हार्ट फेलियर होने के कारण पंपिंग अफेक्ट होता है और इसकी वजह से भी परफ्यूजन ऑफ किडनीज में भी फर्क पड़ता है। तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर किडनी डिजीजेस। हार्ट फेलियर के कारण क्या होता है, एरिथमियाज यानी कि इरेग्युलर बीटिंग ऑफ द हार्ट, अंजाइना एंड हार्ट अटैक्स हो सकता है, फटीग थकान लगना और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि डिस्पनिया, ये सारी इफेक्ट हो सकती है।